ओडिशा सुंदरगढ़ जिला के राजनांदपुर शहर में बार बार बिजली कटने से पूरे शहर को बिजली के साथ साथ बिजली न रहने से अब पानी भी मिलना बंद हो जा रहा है, जिससे अनेक तरह की असुविधाओं का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। आज इस समस्या को देखते हुए बीजत अध्यक्ष राजेंद्र बेहरा के नेतृत्व में बीजत कर्मियों ने बिजली कार्यालय पहुंचकर विभागीय अधिकारी को शहर में बिजली की समस्याओं से अवगत कराते हुए एक मेमोरेंडम सौंपा। आपको बता दें कि सरकार प्राइवेट सेक्टर के हाथों में बिजली विभाग को देकर इन समस्याओं से अपनी पल्ला झाड़ ली है और आम नागरिकों को पैसा देने के बाद भी पूरी सुविधा नहीं मिल पा रही है, लेकिन बिजली का बिल जस का तस ही आता है। चाहे बिजली रहे या ना रहे, बिजली बिल में कोई कटौती नहीं होगी। राजनांदपुर शहर में इन दिनों कई घंटों बिजली गुल रहने के बावजूद भी बिजली के बिल में कोई कटौती नहीं देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि बिजली सेक्टर कई वर्षों से प्राइवेट कंपनी बॉस्को के द्वारा संचालित की जा रही है। सरकार के समय में भी जो पोल पर बिजली के तार लगाई गई थी, उसी के सहारे आज भी प्राइवेट कंपनी बिजली का संचालन दे रहे हैं, जिससे थोड़ी भी बारिश में बिजली काट दी जाती है और घंटों बिजली गुल हो जाती है। आज बिजली कार्यालय में मेमोरेंडम देते हुए अध्यक्ष राजेंद्र बेहरा ने सख्त चेतावनी देते हुए इसमें सुधार करने की बात कही, नहीं तो आगामी दिनों में भारी विरोध की चेतावनी भी दी गई। अब देखना ये अहम होगा कि बिजली विभाग के अधिकारी इस चेतावनी के बाद कितना सुधार लाते हैं। राजेंद्र भाई, जो हमरो आंचलिक जो अभियान पब्लिक तरफ स्वागत करुचु एवं तमाम भल भाव एक्सेप्ट करुचु एवं आम डिपार्टमेंट तरफ जी जाए तार कमी आसू समाधान करूँ से राजेंद्र भाई सहित डिस्कसन कलु डिस्कसन यह उपनीत हलु जे गोटे पॉइंट थी जे बारंबार आम पानी सप्लाए आसुवा जो पीएचडी डिपार्टमेंट आम भाई अच्छा से कहते आम पाखे सप्लाए ना से जिनसटा को आखिग रखिक राजेन्द्र भाई को आम जो टीम आसते आम भाई जो लेखा ही राजेन्द्र भाई कथा जो कोऑर्डिनेशन मीटिंग करियो से आम गाँ गले जो भिलेज कमिटी गोटे अच्छी आम म्यूनिसिपल एरिया आम पब्लिक किसी सीनियर सिटीजन हो कि वयोज्येष्ठ लोक हूँ आज जो मैंने पब्लिक अच्छा आम वेल डेवलपर वेल विशर ताक गोटे कमिटी करार आशु समाधान करवा से संवाददाता राम प्रवेश चौधरी, VSRS न्यूज़।